नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले दुनिया भर में मशहूर कंज्यूमर गुड्स कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के बारे में। बहुत सारे लोगों को यह पता होगा कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इन दोनों सरनेम वाले दो व्यक्तियों ने यह कंपनी शुरू की है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता होगा कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल यह दो व्यक्ति एक दूसरे के साधु थे और अपने ससुर जी के आग्रह पर दोनों ने एक साथ आकर यह बिजनेस शुरू किया था। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसी प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी के इतिहास के बारे में और इसके शुरू होने के पीछे क्या रोमांचकारी कहानी है इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बाइकर यूट्यूब चैनल। प्रॉक्टर एंड गैम्बल में से विलियम प्रॉक्टर, यह जन्म से ब्रिटिश व्यक्ति थे। उनका जन्म 1801 में इंग्लैंड में हुआ था। विलियम प्रॉक्टर जब छोटे थे तब वह मोमबत्ती बनाने की दुकान में काम करते थे। आगे चलकर बड़े बनने के बाद विलियम प्रॉक्टर ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, लेकिन उनके नसीब में कुछ और ही लिखा था। जिस दिन प्रॉक्टर ने अपने नए बिजनेस का उद्घाटन किया, उसके अगले दिन ही उनके दुकान पर चोरों ने डाका डालकर सारा का सारा दुकान लूट लिया। चोरों की वजह से बिजनेस शुरू करने के अगले दिन ही विलियम प्रॉक्टर पर $8,000 का कर्ज का बोझ हो गया। कर्ज के बोझ से कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए, यह विलियम प्रॉक्टर ने अपने मन में ठान लिया था और अपना नसीब आजमाने के लिए उन्होंने अपना देश छोड़ने का फैसला कर लिया। विलियम और उनकी पत्नी अमेरिका जाने के लिए निकल गए। अमेरिका के जर्नी के दौरान विलियम की पत्नी को एक बड़ी बीमारी हो गई। प्रॉक्टर पति पत्नी अमेरिका के ओहायो राज्य के सिनसिनाटी शहर में आ गए, लेकिन कुछ महीनों के बाद विलियम प्रॉक्टर की पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद विलियम प्रॉक्टर ने अपना खर्च चलाने के लिए एक बैंक में नौकरी करना शुरू कर दिया। $8,000 का कर्ज का बोझ जल्दी हल्का हो जाए, इसलिए विलियम ने बैंक के नौकरी के साथ ही अपनी पुरानी तकनीक आजमाने का फैसला किया। विलियम ने एक बार फिर अपना मोमबत्ती बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। मोमबत्ती बनाना, उसको बेचना और ग्राहकों तक मोमबत्ती पहुँचाना, यह सारे काम विलियम अकेले ही करने लगा था। उसी सिनसिनाटी शहर में अलेक्जेंडर नॉरिस नाम के एक व्यक्ति रहते थे, उनका भी मोमबत्ती बनाने का बिजनेस था। तो इसी बिजनेस की वजह से विलियम प्रॉक्टर और अलेक्जेंडर नॉरिस की पहचान हो गई और उसी के साथ ही अलेक्जेंडर नॉरिस की जो बेटी थी ओलिविया, उसके साथ भी विलियम प्रॉक्टर की पहचान हो गई। विलियम प्रॉक्टर ने एक दिन ओलिविया को शादी के लिए पूछा और दोनों की शादी भी हो गई। दूसरी तरफ 1803 में आयरलैंड में जेम्स गैम्बल का जन्म हुआ था। गैम्बल परिवार ने 1819 में आयरलैंड छोड़ा और वह अमेरिका में सेटल हो गए। गैम्बल परिवार अमेरिका के शिकागो शहर में जाने वाला था, लेकिन जेम्स गैम्बल बीमार पड़ गया, इसलिए वह सिनसिनाटी शहर में आ गए और वही हमेशा के लिए सेटल हो गए। 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद जेम्स गैम्बल ने सोप बनाने वाली फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। कुछ साल वहाँ काम करने के बाद जेम्स गैम्बल ने एक्सपीरियंस लिया और अपना सोप और मोमबत्ती बनाने का बिजनेस भी शुरू कर दिया। बिजनेस और नौकरी करते समय जेम्स गैम्बल की अलेक्जेंडर नॉरिस की दूसरी बेटी एन के साथ पहचान हो गई और उनकी भी कुछ दिनों की मुलाकात के बाद शादी हो गई। इन दोनों के ससुर जी यानी विलियम प्रॉक्टर और जेम्स गैम्बल के ससुर जी अलेक्जेंडर नॉरिस एक होशियार आदमी थे। अपने दोनों जमाई एक ही बिजनेस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, यह बात उनके ध्यान में आ गई और उन्होंने अपने दोनों जमाई को एक साथ आकर बिजनेस करने की सलाह दी, लेकिन दोनों जमाई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर में 1837 में उन्होंने यानी विलियम प्रॉक्टर और जेम्स गैम्बल ने अपने ससुर जी की बात मानी और साथ आकर प्रॉक्टर और गैम्बल इस कंपनी की स्थापना की। उनके बिजनेस की शुरुआत मोमबत्ती और सोप बनाने से हुई थी। आगे चलकर प्रॉक्टर एंड गैम्बल दुनिया भर की मशहूर कंपनी और बड़ी कंपनी बन गई। आज 2022 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू $372 बिलियन वैल्यू इस कंपनी की बन चुकी है और दुनिया भर में 70 देशों में इस कंपनी का प्रेजेंस है और उनके पास दुनिया भर में 1,00,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी का प्रेजेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, दुनिया भर में 70 से भी ज़्यादा देशों में है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी आज जिलेट, ओले, टाइड, हेड एंड शोल्डर्स, पैम्पर्स, एरियल, विक्स, क्रेस्ट, अलवेज, पेंटिन, ओरल बी, डाउनी, ओल्ड स्पाइस, चार्मिन जैसे ब्रांड की मालिक है। आज दुनिया भर की मशहूर प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी की शुरुआत एकदम छोटे तरीके से हुई थी। जेम्स गैम्बल भी मोमबत्ती बना रहे थे, विलियम प्रॉक्टर भी मोमबत्ती बना रहे थे, लेकिन उन्होंने एक ही आदमी के दोनों लड़कियों के साथ शादी की और ससुर जी के कहने पर दोनों साथ आए और आज ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई है।
अगर वह दोनों अपने ससुर जी की सलाह ना मानते या अलेक्जेंडर नॉरिस जो इन दोनों के ससुर जी थे वह इन दोनों को एक साथ आने की सलाह ना देते तो आज ये कंपनी इतनी बड़ी बनती नहीं और दोनों गैम्बल और प्रॉक्टर एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते रहते और छोटे ही रह जाते। लेकिन ससुर जी बड़े देखने वाले थे, आगे देखने वाले थे, इसलिए उन्होंने सलाह दी, कंपनी आज इतनी बड़ी बन गई है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे आपसे दरखास्त है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर, आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस के बारे में, कंपनियों के हिस्ट्री के बारे में जो जानकारी सामान्य लोगों को पता नहीं है मेरे वीडियो में आगे भी इस तरह की जानकारी आने वाली है। और इसके पहले भी मैंने अपने चैनल पर बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं, आप अगर प्लेलिस्ट में जाए तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो देखिए, वो वीडियो देखिए, सारे वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे जल्दी ही ऐसे किसी एक कंपनी के रोमांचकारी कहानी और इसके शुरू होने के पीछे क्या इतिहास है इसकी जानकारी मैं देने वाला हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।